लो भाई साहब, सिंचन नुबिदा, तुम लोगों का फाइनली यहाँ पे गर्मियों का छुट्टी भाई सब पड़ ही चुका है क्यों? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, सच में यार बहुत मजा आ गया। अरे बिल्कुल नुबिदा तुम्हारा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, आपसे तो एक गाड़ी भी नहीं चला जाता। अरे भाई साहब यार क्या करूँ यार, एक खिलौना तो नहीं है ना, खिलौना अगर होता तो भाई साहब मैं चला लेता। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, तो खिलौना गाड़ी खरीद लो। अरे भाई साहब बिल्कुल यार। अरे यार दोस्तों, मैं ना आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ देता हूँ भाई साहब। अगर आप लोगों को देखना है भाई साहब नया नया खिलौना का अनबॉक्सिंग, तो फिर जल्दी से दोस्तों यहाँ पे नए चैनल को मैट स्टफ टॉय टीवी को सब्सक्राइब कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी से जाओ और कमेंट सेक्शन पर भी लिंक जो मिल जाएगा उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अरे हाँ दोस्तों, मैं और फ्रैंकलिन भैया नोबिता मिलके यहाँ पर नया नया खिलौना का अनबॉक्सिंग लाएंगे। अरे बिल्कुल यार भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जाओ यार, जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर लो। अरे यार शिनचैन भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब सच में यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक सेकेंड, ये क्या यार, सभी पड़ोसी भाई साहब यहाँ पे एक साथ क्यों? अरे यार फ्रैंकलिन भैया क्या कांड कर दिया? अरे पता नहीं, रुको भाई साहब। अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे यार फ्रैंकलिन, यहाँ पे तेरे घर से कैसा कैसा आवाज आ रहा है, अपने घर को यहाँ से लेके जा। क्या अजीब बात करते हो मिस्टर शर्मा, कहाँ पे लेके जाओ? अरे मुझसे बात कर। अरे यार बॉडी बिल्डर भाई साहब क्या हुआ? अरे तेरा घर से यहाँ पर कितना अजीब अजीब आवाज आता है, क्या तुझे इसके बारे में कुछ पता भी है फ्रैंकलिन? अरे भाई साहब कैसी आवाज? अरे हम लोग तो यहाँ पे रह भी नहीं सकते, इतना बुरा बुरा आवाज आता है यहाँ पे, कहता है कि नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अरे यार क्या करेगा, मार डालेगा, काट डालेगा, मैं तुझे काट डालूंगा फ्रैंकलिन अगर कुछ हुआ तो। अरे भाई साहब आवाज आवाज कहाँ से आ रहा है? अरे यार फ्रैंकलिन में तो अजीब बात है। अरे बॉ मुझे नहीं पता आवाज कहाँ से आ रहा है, तेरा घर है तू समझेगा, चल फ्रैंकलिन जाके अपने घर को यहाँ पे निकल ले। अरे अजीब बात करते हो मिस्टर शर्मा, ये घर है भाई साहब, इसको मैं लेके नहीं जा सकता। कैसा बात करते हो? अच्छा तो मैं तेरा घर को फोड़ दूंगा भाई साहब। मिस्टर शर्मा आ, और मैं पुलिस को फोन करूंगा, पुलिस को। अगर भाई साहब यहाँ पे तुम लोगों को मरना नहीं है ना, तो भाई साहब यहाँ से निकलो। अरे अरे ये क्या भाई साहब, बंदूक बंदूक आए बड़ा यहाँ पे नंगा होके बॉडी बिल्डिंग दिखाने के लिए, भाई साहब निकलो यहाँ से, निकलो। चलो भाई साहब भाग गया। अरे लेकिन फ्रैंकलिन भैया ये लोग तो भाग गया, लेकिन कैसा आवाज? अरे मुझे नहीं पता भाई साहब कैसा आवाज आ रहा है, इन लोगों को पता है यार। अरे रुको भाई साहब, चौप से पूछता हूँ। चौप चौप यार कहाँ पर है? ए भाई साहब नीचे ही हुबे कलवे, मैं यहाँ पे बैठे बैठे मजा ले रहा हूँ। अरे चौप यार, पड़ोसी से बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ आवाज आ रहा है यार। कैसा आवाज, क्या आवाज, क्या तूने सुना कुछ? ए भाई साहब बिल्कुल सही कहा, भाई साहब यहाँ पर ना इस दरवाजे के अंदर से भाई साहब आवाज आ रहा है बहुत घटिया तरीके से। क्या इस दरवाजे के अंदर से? अरे फ्रैंकलिन भैया इस दरवाजे के अंदर तो यहाँ पे चूचू चार्ल्स बंद है ना। हाँ चूचू चार्ल्स यहाँ पर ही बंद है। ए भाई साहब इसका मतलब क्या है समझ गया? अरे क्या भाई साहब, मतलब बॉय यहाँ पे आजाद होना चाहता है भाई साहब। अरे भाई साहब अगर ये आजाद हो गया तो भाई साहब हम लोगों के ऊपर भाई साहब फिर से टूट पड़ेगा। नहीं यार कुछ भी हो जाए हम लोग आजाद नहीं कर पाएंगे। कितने दिनों तक तुम लोग मुझे आजाद नहीं कर पाओगे फ्रैंकलिन? मैं चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे तरस रहा हूँ। ये क्या भाई साहब, ये क्या नोबिता सुना? अरे फ्रैंकलिन भैया लगता है चूचू चार्ल्स इस गेट के अंदर से आने के लिए तरस रहा है। ए भाई साहब पतली गली से निकल ले बे। अरे यार भाई साहब अब क्या होगा? अरे यार फ्रैंकलिन भैया सोचो यार। एक भाई साहब एक चीज कर सकते यार, इस दरवाजे के ऊपर एक और दरवाजा बना दे। अरे यार इससे कुछ फायदा नहीं। अरे तो फिर भाई साहब छोड़ो यार, इसको भाई साहब हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। अरे फ्रैंकलिन भैया। हाँ नोबिता। फ्रैंकलिन भैया यार एक चीज आप तो भूल ही गए। क्या कौन सा चीज? फ्रैंकलिन भैया चूचू चार्ल्स यहाँ पर चूचू चार्ल्स निकलने के लिए तरस रहा है। अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, क्यों ना हम लोग चूचू चार्ल्स के दिमाग के अंदर जाके उसकी आत्मा को यहाँ पर शांत कर दे। क्या दिमाग के अंदर जाके उसकी आत्मा को? बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, क्या कहा था यहाँ पर डॉक्टर ने जब सिंचन के साथ ऐसा हुआ था? कहा था कि यहाँ पर ड्रीम पैरालिसिस नाम का भी चीज होता है, जो कि वैसे दिमाग के अंदर अगर कोई आदमी मर जाए। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा यार, अगर हम लोग भाई साहब चूचू का दिमाग के अंदर जाके भाई साहब उसके दिमाग के ही अंदर भाई साहब हम लोग उसको यहाँ पे मार दे, यहाँ पे उसको भाई साहब कैद कर ले ना, तो भाई साहब वो यहाँ पर स्लीप पैरालिसिस में आ जाएगा और भाई साहब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे लेकिन दिक्कत तो ये है कि उसके सामने जाएगा कौन? ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं है यार।
उसके सामने जाने से भाई साहब हम लोग मर भी सकते हैं। अरे तो क्या कर सकते भाई साहब, ये बात सिंचन ने बिल्कुल सही कहा है यार। अगर हम लोग इस दरवाजे को खोल के भाई साहब उसके अंदर गए तो याद है ना चूचू चार्ल्स क्या कर सकता है। अरे हाँ, मुझे भली भांति याद है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, इतना क्यों डरना यार, जो होगा देखा जाएगा। अरे एक सेकंड, मेरे पास एक और आइडिया है। अरे क्या आइडिया? अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया, ये लो। अरे ये क्या थमा दिया भाई साहब, ये तो भाई साहब टॉर्च है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये कोई आम टॉर्च नहीं है, ये एक। अबे यार क्या हो गया नोबिता? नोबिता भाई साहब यार क्या हो गया? अरे यार ये चुप क्यों हो गया नोबिता? नोबिता अजीब है भाई साहब। ए नोबिता, अरे यार इस टॉर्च का कुछ कमाल है क्या? रुको। अरे मैं बोल रहा था ये एक फ्रीजिंग टॉर्च है। क्या फ्रीजिंग टॉर्च? अरे हाँ फ्रैंक। अरे यार फ्रैंक भैया फिर से फ्रीज कर दिया। अरे सच में? अरे हाँ, मैं वही बोल रहा था कि एक फ्रीजिंग टॉर्च है, और बार बार आप मुझे फ्रीज क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब ये टॉर्च तो वैसा कमाल का है यार। शिनचैन, अरे शिनचैन फ्रीज हो चुका है। अरे ये लो। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने मुझे फ्रीज कर दिया था। अरे भाई साहब ये टॉर्च भाई साहब कैसे मदद कर सकता है? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, जब चूचू चार्ल्स यहाँ पे हम लोगों के पास आएगा हम लोगों को मारने के लिए यहाँ पे कुछ भी, तो फिर हम लोग फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे चूचू चार्ल्स को फ्रीज कर सकते हैं इस टॉर्च की मदद से। बिल्कुल सही बात कहा है यार। अरे तो फिर क्या करे? तो फिर यार हम लोग सोच रहे कि उसके अंदर जाएंगे और जाके भाई साहब यहाँ पे काम करेंगे। अरे लेकिन फ्रैंकलिन भैया इतना भी आसान नहीं होगा यार। अरे भाई साहब आसान तो कुछ भी नहीं है यार, चलो आ जाओ। ए भाई साहब देख के। चलो यार इसको चुप करवा दिया, आ जाओ नोबिता। अरे हाँ चलो। ओके भाई साहब चलो लेट्स गो। लो भाई साहब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। अरे हाँ, अब भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल मैनुअल टॉर्च काम में आएगा। देखो भाई साहब ये वही गुफा है जिस गुफा के अंदर से ये सब कांड शुरू हुआ था। और भाई साहब एक सेकंड, ये तो मैं नॉर्मल टॉर्च को भी यूज में नहीं ले रहा हूँ। अरे ये फ्रीजिंग टॉर्च है फ्रैंकलिन भैया। अरे ठीक है भाई साहब, नॉर्मल रोशनी तो करता है ना। चलो भाई साहब सामने जो भी आएगा भाई साहब फ्रीज हो जाएगा। आ जाओ हम लोग अभी भाई साहब चूचू चार्ल्स के दिमाग के अंदर जाके भाई साहब सब कुछ यहाँ पे बंद करके आएंगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे फिर भी डर लग रहा है यार। अरे यार शिनचैन, अरे कहाँ गए? अरे नोबिता, शिनचैन। अरे क्या? ओ भाई साहब सॉरी, ये लो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप मुझे यहाँ पे बंद करके गए थे क्या? अरे नहीं भाई साहब, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब यार सामने जो भी आएगा भाई साहब फ्रीज हो जाएगा। अरे यार कहाँ पर था दरवाजा? अरे और ज्यादा सामने था। अरे यार इतना अंदर भाई साहब हम लोगों ने उसको बंद किया था। भाई साहब यार सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा डरा। अरे नोबिता भाई साहब मैंने तुझसे भाई साहब उसी दिन कहा था कि इस लाश को भाई साहब हटा दे। अरे मैं क्यों हटाऊंगा? अरे मतलब कौन हटाएगा भाई साहब? ये लाश मैं नहीं हटाऊंगा यार, सर के गल के भाई साहब बदबू आ रहा है इसके अंदर से। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप खुद हटा दो। हाँ भाई साहब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। दरवाजा कहाँ पर था यार? यही कहीं था ना। अरे और थोड़ा सा आगे। अरे रुको भाई साहब, और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जा रहा हूँ भाई साहब, देखने दो क्या होता है। अरे दरवाजा कहाँ गया भाई साहब? दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा है? अरे यार, अरे अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अरे नहीं भाई साहब ये तो कोई दरवाजा नहीं है यार, ये तो भाई साहब वो टनल है। अरे यार इसके आगे था। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया इसके आगे। अरे अरे मिल गया दरवाजा। देखो दोस्तों यार हम लोग फिर से उसी चूचू चार्ल्स के अंदर भाई साहब जा रहे हैं। यार कुछ भी हो सकता है, चलो यार आ जाओ लेट्स गो। अरे भाई साहब लो हम लोग तो भाई साहब यहाँ पे आ गए। अभी यार चूचू चार्ल्स को ढूंढना है। अरे बंदूक ले लेता हूँ भाई साहब। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बंदूक से कुछ काम नहीं होगा, टॉर्च ही ले लो। ठीक है भाई साहब टॉर्च ले लिया। अरे काम कर रहा है ना, देखता हूँ। नोबिता नोबिता, अरे भाई साहब लो। अरे यार बार बार आप मुझे फ्रीज क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब देख रहा था। अरे आओ भाई साहब देखते चूचू चार्ल्स भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे भाई साहब इसी जगह पे भाई साहब मैंने बंद किया था। चलो यार कम से कम लाइट वगैरह सब कुछ लगा दिया इस बार, आ जाओ। अरे हाँ चलो। अरे यार यही पड़ी तो बंद था चूचू चार्ल्स ना। यार दोस्तों सावधानी से आना। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे रुको भाई साहब, चूचू तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे चूचू ये ले। अबे क्या? अरे क्या हो गया? अबे चूचू चार्ल्स मिसिंग। क्या? अरे क्या? अरे देखो भाई साहब चूचू चार्ल्स तो इसके अंदर है ही नहीं।
अरे फ्रैंकलिन भैया, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई साहब, मुझे कैसे पता होगा कैसे हो सकता है? अरे चूचू चार्ल्स, अगर हिम्मत है भाई साहब यहाँ पे आ, कहाँ जा सकता है नोबिता? अरे मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन भैया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहाँ जा सकता है? अरे भाई साहब वही तो ढूंढ रहा हूँ यार। अरे एक अजीब सा बदबू क्यों आ रहा है नोबिता? क्योंकि चूचू चार्ल्स तुम लोगों के सामने। अबे, अरे ये क्या? बहुत दिनों के बाद तुम मेरे हाथ पे आए हो। अब तुम लोग मेरा बदला देखोगे फ्रैंकलिन क्लिंटन। मैं यहाँ पे तुम लोगों को मार के रहूंगा। टॉर्च का पर टॉर्च तो गिर गया यार। नोबिता टॉर्च। अरे मेरे पास हिम्मत नहीं है। अभी तुम लोग मेरे हाथ के ऊपर मरने के लिए तैयार? नोबिता टॉर्च टॉर्च चाहिए वरना मर जाएंगे। नोबिता नोबिता उठो। भाई साहब ये, भाई साहब ये लो। अरे यार चलो भाई साहब, काम कर गया शिनचान नोबिता। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हिम्मत नहीं है। अरे नोबिता उठो। अरे हाँ उठते हैं, रुको। भाई साहब यार ये क्या यार, मुझे भाई साहब यहाँ पे कितना जोर से मारा। उठो सभी लोग। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बहुत जोर से मारा। अरे रुको भाई साहब, यहाँ पर एक सीढ़ी था। अरे ये रहा सीढ़ी, चलो यार इसके पास लगा देता हूँ। चलो इसके दिमाग के अंदर जाएंगे। अरे यार यहाँ पे। अरे हाँ ओके यार चलो लगा देता हूँ। लो यार भाई साहब इसके, भाई साहब यहाँ पे मैंने कान में, अरे कान नहीं भाई साहब, इसके टंकी के अंदर लगा दिया है। चलो एक एक करके आ जाओ। चलो यार जाते हैं। अरे हाँ चलो लेट्स गो। अबे भाई साहब यार ये कैसा जगह है नोबिता? अरे यार मुझे नहीं पता, नोबिता से पूछा है भाई साहब, तुझसे नहीं। अबे ये क्या चूचू चार्ल्स का दिमाग के अंदर है? अरे लग तो बही रहा है। पता नहीं भाई साहब, आ जाओ बाहर। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है भाई साहब। अरे यार ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा है यार। पता नहीं भाई साहब ये क्या है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बोधे का चूचू चार्ल्स। अबे एक सेकंड यार, ये तो दो चूचू चार्ल्स है यहाँ पे, ये दोनों क्या कर रहा है? अरे पता नहीं। अरे रुको भाई साहब सुनने दो। अरे यार, अरे भाई साहब रुको। अरे देखो बेटा, मैं तुम्हें आज यहाँ पे असली चूचू चार्ल्स बनने का ट्रेनिंग दूंगा, और ये ट्रेनिंग प्राप्त करके तुम बन जाओगे यहाँ पे एक असली चूचू चार्ल्स। अरे जी पापा, मैं यहाँ पे असली चूचू चार्ल्स तो बन के दिखाऊंगा। अबे पापा, अरे मतलब चूचू चार्ल्स यहाँ पे आपके ऊपर गुस्सा क्यों रहता है? पता नहीं यार पापा, मतलब मैं सोच समझा नहीं। देखो बेटा, यहाँ पे तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे तो ही यहाँ पे बचोगे, वरना यहाँ पे इंसानों से मरोगे। अरे जी पापा मैं समझ गया। अरे भाई साहब ट्रेनिंग, ये क्या है भाई साहब यार, अजीब बात है। तुम फिर से आ गए। अरे फ्रैंकलिन भैया उधर मत देखना। क्यों? हाँ मैं फिर से आ गया। अभी भाई साहब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे ये तो मैं हूँ। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। भाई साहब ये क्या, ये फ्रैंकलिन के ऊपर इसीलिए गुस्सा रहता है, अजीब है भाई साहब। अच्छा तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? अभी दिखाता हूँ चूचू चार्ल्स, मैं तो तुम्हें यहाँ पे मारूंगा ही, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे तुम्हारे बेटे को भी लेके जाऊंगा। मेरे बेटे को यहाँ पे कुछ किया तो फ्रैंकलिन तू मरेगा। जैसे कि भाई साहब तेरे बेटे को मैं मारूंगा, वैसे तुझे भी मारूंगा। पापा। चल पापा की बच्ची। मेरे बेटे को मत लेके जाओ प्लीज। अच्छा तेरे बेटे को भाई साहब मैं लेके नहीं जाऊंगा, यहाँ पे तेरे बेटे को ऐसे मारूंगा पापा। और साथ ही साथ भाई साहब तेरे बेटे को यहाँ पर मैं मार डालूंगा। नहीं फ्रैंकलिन नहीं। ये लो भाई साहब। तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई साहब चल देख लेंगे। ये लो भाई साहब मैंने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया, चलो यार जाता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये आपने क्या किया? फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भैया जवाब दो, फ्रैंकलिन भैया चूचू के सामने मत जाओ, फ्रैंकलिन भैया जवाब दो। क्या जवाब दूं मैं, क्या जवाब दूं भाई साहब, यहाँ पर जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, भूल मत जाओ यहाँ पे हम लोग चूचू चार्ल्स के दिमाग के अंदर है। और भाई साहब ये जो अभी अभी आया था ना,
वो कोई फ्रैंकलिन नहीं है। अरे क्या भाई साहब, वो मेरा पापा है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर ने चूचू चार्ल्स की भाई से यहाँ पे बच्चों को मार दिया। मेरे पापा ने यहाँ पे चूचू चार्ल्स के बच्चों को मारा, इसीलिए भाई साहब चूचू चार्ल्स ने पूरे शहर के अंदर तबाही बजा के रखा था। और भाई साहब इसीलिए चूचू चार्ल्स मेरे ऊपर भड़क के रहता है। मैं समझ गया चूचू चार्ल्स, तुम यार दिमाग के अंदर से तो अच्छा हो, लेकिन तुम से मेरे ऊपर बदला लेना चाहते हो। मैं समझ गया, मैं तुम्हारा बच्चे का कातिल हूँ। चलो सिंचन। अरे यार फ्रैंकी भैया, इमोशनल होके क्या करने जा रहे हो? अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ना, वो यहाँ पे भाई साहब पहले लेना चाहिए था। रुको, यहाँ पे भाई साहब चूचू चार्ल्स का दिमाग तो ये रहा ना। चलो आ जाओ। लो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ भाई साहब, मैं आ चुका हूँ। अरे हाँ फ्रैंकी भैया, मैं भी। मैं समझ गया, चूचू चार्ल्स यहाँ पे गलत नहीं है। मैं भाई साहब यहाँ पे चूचू चार्ल्स के दिमाग के अंदर जाके उसका भाई साहब असलियत देख चुका हूँ। मैं गया था चूचू चार्ल्स को यहाँ पर रोकने के लिए, लेकिन जाके जो चीज देखा उसके बाद मुझे यही लगता है कि मैंने यहाँ पर जो किया, मतलब मेरे पापा ने जो किया, वो बिल्कुल गलत किया। ठीक है, मैं चूचू चार्ल्स को यहाँ पे अनफ्रीज कर रहा हूँ। लेकिन फ्रैंकी भैया यार, प्लीज प्लीज फ्रैंकी भैया। अरे नहीं रुको, ये लो। फ्रैंकलिन, छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड चूचू चार्ल्स, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे क्या फ्रैंकलिन, तू मेरे सामने सरेंडर लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर जाकर सब कुछ देख लिया है, और मैं शर्मिंदा हूँ यार। देख लिया है मतलब क्या देख लिया है? तुमने भाई साहब यहाँ पे कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। मेरे पापा ने यहाँ पर तुम्हारे बच्चों को मारा, और मैं भाई साहब तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। मतलब तुम्हें असलियत पता चल चुका है कि चूचू चार्ल्स यहाँ पे दिल से बुरा नहीं है। चूचू चार्ल्स को इंसानों के ऊपर लड़ाई करने के लिए तुम्हारे पापा ने यहाँ पर मजबूर किया। अरे मेरा क्या, इंसान जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मैं इंसानों के ऊपर चिढ़ता नहीं था। तुम्हारे पापा ने आके अपने पावर का दुरुपयोग करके मेरे बच्चों को मार दिया। मैं समझ गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को चाहे के भी फिरा नहीं सकता। उसके बदले में तुम मुझे मार दो फ्रैंकलिन भैया। अगर तुम अपने आप को यहाँ पे सैक्रिफाइस करते हो तो फिर ठीक है। तुम्हारे पापा ने यहाँ पे मारा था ना मेरे बेटे को, अभी मैं तुम्हें मारूंगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया। नहीं भाई साहब, मरने दो, मैं भाई साहब तैयार हूँ, मारो मुझे। ठीक है फ्रैंकलिन क्लिंटन, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ चूचू, मार दो मुझे। छोड़ो, जाओ यहाँ से। क्या? जाओ यहाँ से। नहीं, मैं मुझे मारो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। भाई साहब, अरे अरे नहीं, ओह भाई, अबे क्या नोबिता सिंचन ठीक हो? अरे फ्रैंकलिन भाई क्या हो गया? चूचू चार्ल्स ने अपना पावर का इस्तेमाल करके हम लोगों को भाई टनल से बाहर निकल दिया, और वो खुद उस टनल में फंस गया। अरे यार दोस्तों, मैंने जो दिमाग के अंदर जाके देखा ना, वो कोई आम बात नहीं है यार। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट डाउन पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।